वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी हरी मिर्ची के खीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितना मज़ेदार बना है और बहुत ही क्विक और बहुत कम मसालों से बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 300 ग्राम खीमा ऐड कर लिया है मैंने। इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, छोटी हो तो दो डालें, बड़ी हो तो एक ही डालें। अब ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल और अच्छे से हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए खीमे को और प्याज को भून लेना है। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। इसको रोटी और चावल दोनों से आप खा सकते हैं। अब देखिए, हाई फ्लेम पर आपको इस तरह से भूनना है खीमे को कि ये बिल्कुल अलग अलग सा हो जाए। इस तरह से भूनने से खीमा बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहता, हाई फ्लेम पर ही आपको भूनना है। 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि खीमे का कलर चेंज हो गया है और प्याज के जो टिप्स है वो भी थोड़े से चेंज कलर चेंज करने लगे हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इस तरह से भून भून कर बनाने से खीमा जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मसालों में देखिए, हरी मिर्ची का खीमा है तो हरी मिर्ची का पेस्ट है 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सब चीज़ों को खीमे में मिक्स करके अच्छे से फ्राई करेंगे बस 30 सेकेंड के लिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हाफ कप के जितना मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि खीमा है तो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो स्टोव की फ्लेम हाई कर देंगे और 2-3 विजिल होने तक इसको पका लेंगे। अब प्रेशर रिलीज़ हो गया है, उसके बाद में मैं इसको खोलकर हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। इस तरह से भूनना है कि प्याज को हमने चम्मच से अच्छे से मैश कर देना है ताकि अच्छे से खीमे का मसाला तैयार हो जाए। अब आप देखेंगे कि बस 5 मिनट में ही ऑयल रिलीज़ होने लगा है और सारी प्याज अच्छे से भुन गई है और खीमा जो है तैयार हो गया है और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह से भून लेंगे। अब देखिए, ऑयल रिलीज़ हो रहा है साइडों से। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, यानी कि कोथमीर हाफ बंच और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये गरम मसाला हैदराबादी गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार खीमा बनकर तैयार है। तो सर्व कर देंगे टेस्टी हरी मिर्ची का खीमा। देख सकते हैं हम कितना मज़ेदार बना है। आप इसको रमज़ान में सहर या इफ्तार दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत चटपटा मज़ेदार लगता है। तो टेस्टी खीमा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।